हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में पढ़ा था। हम इस वक्त लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें हमने रेक्टेंगुलर स्लैब में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है उसको समझने की कोशिश की थी। एक ग्लास स्लैब था, तो लेट्स गेट अ क्विक रिव्यू। ग्लास स्लैब ये स्लैब कुछ इस तरह का था। इस ग्लास के स्लैब में हमने देखा था कि जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन होता है। दो बार कैसे? लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी। तो एक बार रिफ्रैक्शन सी डी पे होता है एच पे, और दूसरा रिफ्रैक्शन ए बी पे होता है अगेन एच पे। बस कंडीशन ये होती है कि सी डी पे जो रिफ्रैक्शन होता है, सो लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। एंड लेट अस से यहां पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन हमने देखा था कि ये लाइट रे अब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होके स्लैब के अंदर आ चुकी है। मटेरियल चेंज हो चुका है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बदल गया है। सो लाइट रिफ्रैक्ट होके किस तरफ बेंड होगी? दिस इज अ रेयरर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम। सो इट मींस लाइट जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, या कहें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इट मींस लाइट रे ऐसी तो नहीं जाने वाली, कुछ इस तरह से बेंड होगी, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी। सो हम इसको टिल्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ऐसी स्ट्राइक करेगी। नाउ अब लाइट इस वक्त ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, मतलब ग्लास के अंदर। वेर इट इज, वेदर इट इज डेंसर और रेयर वो हमारा कंसर्न नहीं, जस्ट हम ये देखते हैं कि लाइट इस वक्त एयर में ट्रेवल कर रही थी, इस वक्त ग्लास में ट्रेवल कर रही है। नाउ ये लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही थी, लेकिन इसमें ग्लास स्लैब होने की वजह से एक बेंडिंग हो गई यहां पे। अब यहां पे बेंडिंग हुई, लेकिन जैसे ही वो एज ए बी पे टकराएगी, वैसे ही हम देख सकते हैं कि एज ए बी जो है वो एक इंटरफेस है बिटवीन अ ग्लास एंड एयर। इट मींस अ डेंसर मीडियम एंड अ रेयरर मीडियम। सो इट मींस लाइट रे डेंसर मीडियम से निकल के रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाता है कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इस वक्त हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी दिस एंगल, इसको हमने आर वन नाम दिया था, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इसको हमने आर टू नाम दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आफ्टर दिस इट विल गो आउट एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी कुछ ये रे पास ऑन हो जाएगी। और हमने देखा था कि ये जो एंगल है इसको हमने एंगल ऑफ इमर्जेंट नाम दिया था ई। वाई इमर्जेंट? बिकॉज ये उस स्लैब के अंदर से इमर्ज हो रही है, दैट्स वाई। और कोई इसका रीजन नहीं ई नाम देने का, अदरवाइज इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस एज, नथिंग एल्स। और ये एंगल इससे बड़ा होगा। फिर हमने ये प्रूव किया था कि जिस एंगल पे इंसिडेंस होती है लाइट, उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट भी हो जाती है। गिरते समय और बाहर निकलते समय, इंसिडेंस होते समय और इमर्ज होते समय लाइट का जो एंगल है वो सेम रहता है। सो वी हैव प्रूव्ड कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट एंगल। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज बी एंड दिस इज लेट्स से एम। तो ए एम जो है वो क्या है? एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, दिस इज विदाउट रिफ्रैक्शन। हम लिख देते हैं ए एम इज व्हाट? एक्चुअल पाथ विदाउट
रिफ्रैक्शन, लाइट का ऐसा पाथ जिसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो लाइट बिल्कुल एएम को फॉलो करती हुई चली जाएगी। लेकिन इस वक्त लाइट एएम को फॉलो नहीं कर रही है, इस वक्त लाइट हमें दिख रही है कि ए से निकल के और बी से बाहर आ रही है। वी कैन सी दिस, द पाथ ऑफ लाइट इज ए ओ पी बी। सो व्हाट इज ए ओ पी बी? लाइट आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस, क्योंकि हम देख सकते हैं यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे। इसीलिए मैंने क्या माना, मैंने माना कि एम तो मेरा एक्चुअल पाथ है, लेकिन जो मेरा रिफ्रैक्टेड पाथ है वो ए ओ पी एंड बी है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट बराबर है, दीज टू आर इक्वल एंगल्स, सो आई कैन से कि ए एम इज पैरेलल टू पी बी, बिकॉज दिस इज द ट्रू, देयरफॉर ए एम इज पैरेलल टू पी बी। ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, दीज टू आर पैरेलल लाइन्स, दीज टू आर पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ये दोनों लाइन्स पैरेलल दिखेंगी, ये दोनों लाइन्स बिल्कुल 100% पैरेलल होंगी एक दूसरे के। यू कैन प्रूव दिस वेरी इजीली, जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि ये आपको दो लाइन दिख रही है और एक ट्रांसवर्सल दिख रही है, इसको सोचें और आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ए एम पैरेलल टू ए बी है, इट मीन्स यहां पे लाइट का जो पाथ है वो बेंड नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस वॉज द इमरजेंट, सॉरी इंसिडेंस रे, ये ऐसी जानी चाहिए थी, तो अब ये ऐसी ना जाके सिर्फ ऐसी जा रही है, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। सो आई विल से कि यहां पे ओनली लेटरल शिफ्टिंग हैपेंड, ओनली लेटरल शिफ्टिंग हैपेंड एंड नो चेंज इन डायरेक्शन। तो सिर्फ लेटरल शिफ्टिंग हुई है, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सो आई विल से कि यहां पे लाइट का अगर हम ध्यान से देखें तो दिस वॉज द एक्चुअल पाथ, दिस वॉज द रिफ्रैक्टेड पाथ। सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे x, वेयर x इज इक्वल्स टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। x को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मीन्स साइडवेज, कि साइड में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसे जा रही थी अब ऐसे जा रही है, नथिंग एल्स, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं। हेंस जो ग्लास स्लैब होता है इसमें रिफ्रैक्शन के बाद लाइट सिर्फ लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है। सो व्हाट वी विल से, वी विल से लाइट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ओके, सो हमने ये देखा कि यहां पे दो रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, दो रिफ्रैक्शंस, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम देखें ध्यान से, तो ये एक एज है सी डी, ये एक एज है ए बी, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, इनमें कोई टिल्ट नहीं है, दीज आर 100% पैरेलल। सो बिकॉज दीज टू एजेस आर पैरेलल, इट मींस इन दोनों एजेस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट भी पैरेलल ही होगी। यू कैन जज दिस। ऐसा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है प्रिज्म, जिसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म में क्या होता है। आपने देखा होगा जब धूप में हम प्रिज्म को लेके आते हैं तो प्रिज्म से एक रेनबो बनता है, उसमें कलर दिखते हैं हमें, तो वो कैसे होता है हम उसको फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग हम ये मान लेते हैं कि दो पैरेलल एजेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हमेशा लाइट में सिर्फ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, लाइट की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। ओके, सो यू कैन नोट दिस।
ओके सो हमने अभी तक रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कब कब होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, उसे बहुत अच्छे से समझ लिया है और जो रिफ्रैक्शन को फॉलो करने वाले लॉ हैं उनको भी समझ लिया और इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया है ना। अब ये लॉ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होते हैं ये हम कैसे पता लगाएं? ये हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन से। कॉमन ऑब्जर्वेशन जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप एक सिक्के को ग्लास में डाल दीजिए तो आपको दिखेगा कि वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर है, या आप ग्लास स्लैब को पेपर पर रख दीजिए तो आपको लेटर्स उठे हुए दिखेंगे, ये सभी ऑब्जर्वेशंस। या फिर जो तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इसको भी हम समझते हैं। और जो सनसेट और सनराइज का जो समय होता है, एक्चुअल में क्या होता है, सनसेट जिस समय होने वाला होता है हमें सन उसके पहले से ही नीचे दिखता है, या ऐसा कहें सन जब नीचे जा रहा है, सनसेट हो रहा है, सनसेट होते होते सन डूब चुका है लेकिन फिर भी हमें सन ऊपर दिखाई देता है, या सनराइज में सन ऊपर आया नहीं है लेकिन हमें फिर भी दिखाई देता है, इट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शंस। या आपने देखा होगा गर्मियों के समय में आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो उस समय आपको रोड पे सामने ऐसा पानी जैसा दिखता है, थोड़ी सी दूर पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पानी भरा हुआ है। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो चलिए इन सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन किस तरह से इस चीज को करता है, कि रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट का मतलब हमें कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसे देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें। ओके सो लेट अस डिस्कस सम। कॉमन ऑब्जर्वेशंस, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉइन प्लेस्ड इन अ ग्लास कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी रेस्ड, वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। कॉइन को अगर हम एक कंटेनर में रखें उसमें पानी भर दें तो कॉइन ऊपर दिखाई देता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो कैसे रहा है। लेट अस से दिस इज आवर ग्लास। इस ग्लास में हम मान लेते हैं कि यहां पे मैंने एक कॉइन को रख दिया, ओके दिस इज माय कॉइन। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दिस इज माय कॉइन और यहां पे पानी भरा हुआ है। और लेट अस से दिस इज द लेयर, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या होगा, हम ये देख सकते हैं कि कॉइन हमें क्यों दिख रहा है, उसका क्या रीजन है। कॉइन हमें इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पे जो ट्यूबलाइट है वो ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है, निकल के कॉइन से टकरा रही है और कॉइन से टकरा के वापस हमारे पास आ रही है। नाउ कॉइन इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट अगर कॉइन से टकराएगी तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। अब कॉइन में से जैसे ही लाइट टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट आ गई। लेकिन यहां पे एक चीज जो दिख रही है वो ये कि जब लाइट कॉइन के पास जाएगी तो इस वक्त तो कॉइन के पास जो लाइट जा रही है वो एयर में है, लेकिन जैसे ही वो इधर आएगी वो वाटर में हो जाएगी। इट मीन्स कॉइन तक जाने के लिए लाइट को दो मीडियम से गुजरना होगा। दो कौन से? एक तो एयर और दूसरा वाटर। सो इट मींस कॉइन पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद ऊपर आने पे भी उसको दो मीडियम से गुजरना होगा, कौन सा? वाटर और एयर। लेट अस से कि मैं कॉइन को एग्जैक्टली ऊपर से देखूं, यहां से ऐसा,
जब मैं लाइट कॉइन को यहां से देखूंगा तो कॉइन से निकलने वाली लाइट रे कुछ ऊपर की तरफ आएगी ऐसे कुछ ऊपर की तरफ आएगी। कॉइन से निकलने वाली लाइट रे जैसे ही इस इंटरफेस पे आके टकराएगी हम ये देख सकते हैं कि इस इंटरफेस के नीचे पानी है ऊपर जो है वो एयर है। सो इट मींस यहां पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो लाइट रे आई है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, कॉइन से निकल रही है, वो इस इंटरफेस को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है। इट मींस वो विदाउट रिफ्रैक्शन ऊपर की तरफ चली जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं, यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कि कॉइन से आने वाली लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरह से आ गई। और जब हम देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखेगा कि कॉइन एक्चुअल में वहीं रखा है जहां पे वो रखा हुआ होना चाहिए। सो इट मींस अगर आप इसको 90 डिग्री के ऊपर से देखोगे तो ये चीज वैलिड नहीं हो पाएगी कि कॉइन अपीयर टू बी रेस्ट। हमें यहां से कॉइन उठा हुआ नहीं दिखाई देगा एंड द रीजन इज वेरी क्लियर बिकॉज यहां से जब लाइट ऊपर आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ओके तो ठीक है रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा लेकिन क्या होगा ही नहीं, होगा रिफ्रैक्शन तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। सो लेट अस से कि मैं कॉइन को इस वक्त अब मैं यहां से देखने की कोशिश करता हूं, अब मैंने थोड़ा सा ग्लास को मैं ऐसा देख रहा था और मैं थोड़ा सा पीछे हो गया और मैं टेढ़ा होके देख रहा हूं ऐसा ग्लास को। तो जब मैं ऐसा टेढ़े से देखूंगा ग्लास को सो ग्लास से ये कॉइन से निकली लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करेगी, कॉइन से निकलने वाली लाइट रे कुछ इस तरह से इस पानी को स्ट्राइक करेगी। नाउ अब जैसे ही ये पानी के इस इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी, पानी और एयर के इंटरफेस को, वैसे ही क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्यों होगा, क्योंकि पानी एक ट्रांसपेरेंट है, वाटर और हवा एक ट्रांसपेरेंट है। ओके तो क्या हुआ, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है इसीलिए रिफ्रैक्शन तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में अलग अलग है, मतलब रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। सो इस पॉइंट पे लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल, जहां पे भी लाइट इंसिडेंस होती है वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नाउ नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई। नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वॉटर टू एयर, वॉटर टू एयर इट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। सो इट मीन्स लाइट किस तरफ जाना चाहिए, क्या नॉर्मल की तरफ हो जाना चाहिए या उसको नॉर्मल से दूर होना चाहिए, नॉर्मल से दूर होना चाहिए। सो इट मीन्स लाइट रे ऐसी जाने वाली थी ऐसा पाथ, लेकिन अब उसका पार्ट थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा और टिल्ट होके वो कुछ ऐसी मूव करेगी, समथिंग इन दिस डायरेक्शन। ये लाइट रे यू कैन सी दिस। नाउ अगर लाइट इस तरह से टिल्ट हो गई तो मैं अपने आप को भी इधर ही खसका लेता हूं, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। सो लाइट अगर इधर टिल्ट हो गई इट मींस ये लाइट रे मुझे कहां से आती हुई दिखेगी, अगर मैं इस लाइट को ट्रेस बैक करूं पीछे की तरफ तो ये ऐसा, तो मुझे ये लाइट रे कहीं इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि लाइट रे तो सीधी ही जा रही थी, अगर सीधी जाती तो बिल्कुल मुझे कॉइन यहीं पे दिखता, लेकिन इस पॉइंट पे आके लाइट रे ऐसी टिल्ट हो गई, उसका पाथ बेंड हो गया, तो बेंड होने से लाइट रे ऐसी दिखी। तो ये लाइट रे मेरे आंख में जो आ रही है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से। इट मींस अगर मैं इसको ट्रेस बैक करूं तो मुझे क्या दिखेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, इस पॉइंट से। और ऐसे कॉइन पे सभी पॉइंट्स पे जो लाइट है
उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन, वो हर बार इस तरह से इंटरफेस पे टकराएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी और फाइनली यू विल सी कि कॉइन हमें ऊपर दिखाई देगा. सो आई विल से दिस एच इज व्हाट, दिस एच इज एक्चुअल हाइट ऑफ द कॉइन. ये कॉइन की एक्चुअल हाइट है, कॉइन एग्जैक्टली इतनी हाइट पे ही है, लेकिन इस वक्त मुझे कॉइन यहां पे दिख रहा है. सो इफ आई से कि दिस इज एच वन, सो एच वन विल बी एपरेंट हाइट. एपरेंट हाइट मीन्स फॉल्स हाइट. एपरेंट मतलब थोड़ी देर के लिए जो चीज होती है जो कि फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ओके, जो कि ऐसा लगता है कि हो रही है लेकिन होती नहीं, दैट इज एपरेंट. सो यहां पे भी कॉइन जो है वो ऊपर दिखेगा, लेकिन क्या एक्चुअल में ऊपर है वो? ऑब्वियसली नॉट. कॉइन तो यहीं पे है, ये तो सिर्फ एक लाइट का मैजिक है और ये मैजिक को आप समझ चुके हो, ओके. सो आपके जो छोटे भाई बहन है उनके सामने ये ट्राई कीजिएगा. नाउ दिस इज एपरेंट हाइट, दिस इज एक्चुअल हाइट. दिस इज वेरी क्लियर आई गेस कि कॉइन ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है. तो इसका मतलब अगर आप कॉइन को यहां से देखोगे तो आपको कॉइन ऊपर नहीं दिखेगा, एंड द रीजन इज 90 डिग्री पे लाइट स्ट्राइक करती है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा टिल्ट हो जाओगे वैसे ही आपको कॉइन ऊपर दिखेगा, और आप जैसे जैसे टिल्ट होते जाओगे वैसे वैसे कॉइन आपको और ऊपर दिखता जाएगा. यू कैन ऑब्जर्व दिस, ओके, एंड द रीजन इज अगेन आई गेस वेरी क्लियर टू यू, लाइट का ऊपर होना. सो ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन होने की वजह से कॉइन ऊपर हो गया. लेकिन अगर मैं एक ग्लास स्लैब को पेपर पर रखता हूं तो मुझे लेटर्स उठे हुए दिखते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसका रीजन जो रिफ्रैक्शन है, ये हम जानते हैं रिफ्रैक्शन है, उसका रीजन बिल्कुल ऐसा है? कैन यू ड्रॉ दिस? क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैं कॉइन को इस तरह से रख के और कॉइन को उठा हुआ देखता हूं तो ग्लास स्लैब में ऐसी क्या खासियत है कि मुझे लेटर्स ऊपर उठे हुए दिखते हैं? अगेन द सेम थिंग, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस. द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज लेटर्स अपीयर वेस्ट when viewed from glass slab. Letters थोड़े से उठे हुए दिखाई देते हैं जब हम उन्हें glass slab से देखें. So it means, मैं मान लेता हूं कि यह मेरा newspaper है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, यहां पे कुछ लिखे हुए letters लिखे हुए, और मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक ग्लास स्लैब को रख दिया. अगेन यहां पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, लेटर्स मार्क इट लाइक दिस, ऐसा कुछ हम उसको ऐसा बना देते हैं कि ये लिखा हुआ है, दिस इज लेटर्स, ओके. नाउ आप अगर इसको यहां से देखोगे सो यू विल फाइंड कि यहां से जो लाइट रे आ रही है वो इन लेटर्स से जो लाइट रे आ रही है वो इस तरह से आके इस इंटरफेस को स्ट्राइक करती है. कौन से इंटरफेस को? इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर. तो ग्लास और हवा के बीच का जो इंटरफेस है उसको लाइट इस वक्त एग्जैक्टली 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है. तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली नॉट. रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इट मींस लाइट रे ऐसी की ऐसी ऊपर चली जाएगी और यहां पे हमें ये लेटर्स बिल्कुल इसी पोजीशन पे दिखाई देंगे. इनमें कोई भी ऐसा ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. सो इट मींस अगर मैं यहां से देखूं तो बिल्कुल ये ऐसा ही ऑब्जर्वेशन है. मेरी आंख यहां पे थी, कॉइन नीचे दिख रहा था, यहां पे भी मेरी आंख जस्ट ऊपर है तो हमें कॉइन जो लेटर्स हैं वो एग्जैक्टली नीचे ही दिखाई देते हैं.
लेकिन जैसे ही आप अपनी आईज को टिल्ट करोगे, थोड़ा सा इधर करोगे, ओके, तो आप देखेंगे कि लाइट रे जो कि इस तरह से निकल रही है, लाइट रे ऐसी निकल रही है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। अब लाइट रे यहां से निकलने वाली जैसे ही इस इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी, यू विल फाइंड कि यहां पे रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। सो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है। सो इट मीन्स लाइट जो कि ऐसी जानी चाहिए थी वो एक्चुअल में कैसी जाने लगेगी, इट विल गो समथिंग लाइक दिस एंड यू विल फाइंड कि आपको लेटर्स यहां पे दिखाई देंगे। दिस इज योर आई, ये आपकी आई है, तो आपको दिखाई देगा कि ये लाइट रे जो आ रही है ये कहां से आ रही है, ये थोड़े से ऊपर से आ रही है कहीं यहां से। यू विल फाइंड कि यहां पे आपको लेटर्स दिखाई देंगे, ओके। सो अगेन द सेम रीजन, कोई डिफरेंस नहीं था, सेम रीजन। देन ये हमने समझा कि लेटर्स हमें क्यों उठे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं थर्ड कंक्लूजन से, थर्ड ऑब्जर्वेशन से? थर्ड ऑब्जर्वेशन इज ग्लास स्लैब अपीयर्स लेस थिक then it is actually। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, जो ग्लास स्लैब लिया मैंने, ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी लेस थिक देन इट इज एक्चुअली, मतलब ग्लास स्लैब जितना मोटा मैंने लिया मुझे उतना मोटा वो दिखाई नहीं देता। अगर आप उसको साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा, लेकिन आप उसकी जो ऊपर की सरफेस है उससे अगर आप उसको देखने की कोशिश करोगे, सो यू विल फाइंड कि आपको वो ग्लास पतला दिखेगा, उसकी विड्थ आपको कम दिखाई देगी। एंड कैन यू रिलेट दिस डायग्राम, रे डायग्राम फॉर दिस विद दिस, क्या आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं? ये दो डायग्राम्स हमने समझे, थर्ड डायग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे कॉइन था, यहां पे लेटर्स हैं, और यहां पे क्या होगा, ग्लास स्लैब की नीचे वाली सरफेस। तो ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम, जस्ट क्विकली ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू कैन नोट डाउन दिस।